दोस्तों बिग बॉस सीजन 16 के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर सृजिता डे सुम्बुल तौकीर खान पर बुरी तरीके से भड़क उठी है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि सुम्बुल तौकीर खान इस समय किचन की ड्यूटीज कर रही है और घर के सभी कंटेस्टेंट्स के लिए ब्रेकफास्ट भी बना रही है। जहां दोस्तों इस बार का नियम काफ़ी ज़्यादा बदल दिया गया है, जो व्यक्ति अपना राशन लाकर सुम्बुल को देगा, सुम्बुल बस उसी के लिए नाश्ता तैयार करेगी। और इस दौरान सृजिता अपने पोहे लाकर सुम्बुल को दे देती है, तो वहीं 6 नंबर रूम वाले भी अपने 2 बाउल भर के सुम्बुल को लाकर दे दिए थे, जिसकी वजह से 6 नंबर वालों ने पहले पोहे खा लिए और बाद में जो लास्ट में है पोहे काफ़ी कम बचे थे, जिसके चलते सुम्बुल तौकीर खान पर सृजिता बुरी तरीके से भड़क चुकी है। सृजिता ने सुम्बुल पर ये आरोप लगा दिया है कि उसने उसके हिस्से के पोहे दूसरों को बांट दिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सुम्बुल ने फिर एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुनने के बाद सृजिता का मुंह देखने लायक था। दरअसल सुम्बुल ने भी करारा जवाब देते हुए साफ तौर पर कह दिया कि मेरी यहाँ पर केवल बनाने की जिम्मेदारी है, मैं पोहे बनाकर दे सकती हूँ, बांटने का काम मेरा नहीं है। आप अपने पोहे देते हैं तो या तो यहीं पर मेरे सामने बैठकर बनवाकर ले जाइए, या फिर आप अपने आप उसका बंटवारा कर लीजिए, मेरे बांटने की जिम्मेदारी नहीं होगी। और रही बात पोहे की, तो आपने लाकर ही बेहद कम पोहे दिए थे, आप चाहें तो अंकित भाई से पूछ सकते हैं या फिर मान्या से भी पूछ सकते हैं। जिसके बाद कहीं ना कहीं सृजिता का मुंह देखने लायक था। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके से सुम्बुल पर बार बार आरोप लगाना ठीक है या गलत? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और यदि आप भी सुम्बुल तौकीर खान के फैंस हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बिग बॉस की हर खबर आप तक पहुँचे सबसे पहले।